हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों WWE ने बॉबी लेस्ली को डोमिनिक की जगह रिप्लेस करके रॉ टीम में इंक्लूड कर दिया। तो दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि WWE के चार सबसे बड़े पेपर व्यूज में से एक सर्वाइवर सीरीज जो है WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है, जो कि 21 नवंबर को लाइव होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीक के रॉ के एपिसोड में देखा था कि WWE ने सर्वाइवर सीरीज के लिए बिल्डअप की शुरुआत भी कर दी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि WWE ने पिछले हफ्ते ही अपने सर्वाइवर सीरीज में होने वाले 5-on-5 मेन एंड वुमेन्स एलिमिनेशन सर्वाइवर सीरीज मैच में कौन कौन से सुपरस्टार फैंस को देखने को मिलेंगे उनके नाम पहले ही रिवील कर दिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रॉ के जो सर्वाइवर सीरीज टीम जो होगी, जो रॉ को रिप्रेजेंट करेगी, उसमें सेथ रॉलिंस, फिन बैलर, केविन ओवंस, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो हमें देखने को मिलने वाले थे। दोस्तों, जिसके बाद से WWE फैंस सोशल मीडिया पर लगातार WWE से पूछने लगे कि इस बच्चे डोमिनिक मिस्टीरियो को ब्रांड वर्सेस ब्रांड के मैच में रॉ ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए टीम में क्यों डाल दिया। और दोस्तों, फैंस ने यह भी पूछा था WWE से क्राउन ज्वेल्स के बाद बॉबी लेस्ली को लेकर WWE के क्या प्लान होने वाले हैं। दोस्तों, फैंस के इन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए WWE ने इस वीक के रॉ के एपिसोड पर बॉबी लेस्ली को डोमिनिक मिस्टीरियो की जगह सर्वाइवर सीरीज के रॉ टीम में रिप्लेस कर दिया। दोस्तों, WWE ने इस रिप्लेसमेंट को भी बहुत चालाकी से किया। दोस्तों, इस वीक के रॉ के एपिसोड में हमें बॉबी लेस्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में एक जबरदस्त मैच देखने को मिला था। मैं आपको प्रिफर जरूर करूंगा कि आप मैच को जरूर ट्यून करिए, क्योंकि उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था। दोस्तों, WWE ने जिस चालाकी से बॉबी लेस्ली को डोमिनिक मिस्टीरियो की जगह सर्वाइवर सीरीज के रॉ टीम में इंक्लूड किया है, वो फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्राउन जूल्स में बॉबी लेस्ली और गोल्डबर्ग के बीच में कितना खतरनाक वाला स्ट्रीट मैच हमें देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों उसके बाद से ही WWE के पास बॉबी लेस्ली को लेकर कोई बड़े प्लान नहीं थे। अगर दोस्तों PW इनसाइडर जैसे ट्रस्टेड स्पोर्ट कंपनी की बात माने तो उनके अनुसार सर्वाइवर सीरीज का जो मेन इवेंट वाला मैच होता है, मतलब ब्रांड वर्सेस ब्रांड का जो मेन मैच होता है, मतलब यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस WWE चैंपियन वाला जो मैच होता है, वो मेन मैच था रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच होने वाला था। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिगी ने अपना मनी इन द बैंक बॉबी लेस्ली के ऊपर कैश कर दिया था और उन्हें हराकर वो WWE चैंपियन बन गए थे। दोस्तों, जिसके बाद ही WWE को अपना जो मेन प्लान था, मतलब रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लेस्ली वाला, उसे चेंज करना पड़ा था। इसीलिए दोस्तों, अब हमें ब्रांड वर्सेस ब्रांड के लिए यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस WWE चैंपियन के लिए रोमन रेंज वर्सेस बिगी का मैच देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों स्मैकडाउन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे रोमन रेंज और रॉ टीम को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे बिगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉबी लेस्ली जो है वो रॉ टीम से जुड़ गए हैं और सर्वाइवर सीरीज में रॉ को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन दोस्तों फैंस के नजर में जो डोमिनिक मिस्टीरियो के तौर पर रॉ टीम में एक वीकनेस थी, WWE ने उसे भी दूर कर दिया है। अगर दोस्तों बात किया जाए रॉ टीम के स्ट्रेंथ और बुकिंग के बारे में, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस वक्त रॉ टीम के जितने भी सुपरस्टार हैं उनकी बुकिंग स्मैकडाउन के जो सुपरस्टार रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से बेटर बुकिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ड्रू मैकइंटायर जो है सर्वाइवर सीरीज में रॉ टीम के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो रॉ ब्रांड ने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए कमाल के सुपरस्टार्स की बुकिंग की है अपने टीम में, जो दोस्तों स्मैकडाउन पर सर्वाइवर सीरीज में हमें भारी पड़ते हुए भी दिख सकते हैं। दोस्तों जिस कारण मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्मैकडाउन टीम में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों कुछ चेंजेस होगा तो उसकी खबर मैं आपको चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, अगर आपके कुछ थॉट हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं।